हेलो स्टूडेंट आज हम स्पर्धा सीरीज में बार वाले क्वेश्चन देखेंगे आप पिछले वीडियो जाके देख लेना जहां पे मैंने आपको डेसिमल का बिल्कुल बेसिक बताया हुआ है और उससे भी बहुत पहले मैंने कैलकुलेशन की जैसे स्क्वायर निकालने एकदम नया तरीका आपको बताया हुआ है क्यूब निकालना आपको बताया हुआ है मल्टीफिकेशन <coughs> की वीडियो बना चुका हूं तो आप उन वीडियो को भी जाके एक बार देख लीजिएगा आज का जो एजेंडा है वो बार वाले क्वेश्चन सॉल्व करना या दशमलों की हम लोग बात कर रहे होंगे अब देखो जब हम डेसिमल की बात करते हैं तो डेसिमल दो तरह के होते हैं एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल अब टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ जैसे देखो आपको नाम ही बता रहा है अगर आप हिंदी वाला देखो या इंग्लिश वाला देखो टर्मिनेट मतलब कहीं खत्म हो रहा होगा शांत दशमलव मतलब शांत होगा फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ऐसा कुछ है कि 3.75 अभी क्या हुआ दशमलव के बाद कुछ अंक के बाद खत्म हो गया टर्मिनेट हो गया तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते बोल हैं होते हैं, ठीक है ना नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हुआ कि के वो नहीं होते फॉर एग्जाम्पल जीरो पॉइंट थ्री 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 डॉट 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 सो मतलब ये अनंत तक चलता रहेगा आप भाग देते रहो वो आता रहेगा आपका उस तरीके से तो ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल शांत दशमलव शांत नहीं है भाई ये ये बार 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 आता चला जा रहा है ठीक है ना अब देखो इसका भी दो पार्ट होता है। एक होता है है एक रिपीटिंग डेसिमल जिसको हम रिकरिंग डेसिमल भी बोलते हैं और दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल जिसको हम कई बार नॉन रिकरिंग डेसिमल भी बोल रहे होते हैं ठीक है अब दोनों में अंतर क्या है देखो ये दोनों जो है इसी का पार्ट है तो एक चीज तो कंफर्म है कि ये टर्मिनेट नहीं करेंगे ये कंफर्म हो गया यहां से लेकिन इसमें भी दो कैटेगरी है जैसे पहली कैटेगरी क्या है? रिपीट करेंगे तो रिपीट करने का मतलब क्या हुआ जैसे कि .45, 45, 45, इस तरीके से चल रहा तो टर्मिनेट नहीं हुआ लेकिन कोई सर्टन नंबर है वो एक नंबर हो सकता है दो नंबर हो सकता है वो बार बार रिपीट हो रहा होगा ठीक है ना ये दो नंबर जो है बार बार रिपीट हो रहा है नॉन रिपीटिंग डेसिमल का मतलब क्या हुआ यहां पे ये भी खत्म नहीं होगा क्योंकि ये भी नॉन टर्मिनेटिंग का ही पार्ट है लेकिन ये रिपीट भी नहीं होगा फॉर एग्जांपल 3.145275 इस तरीके से ये चलता चला जा रहा मतलब कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो रिपीट हो रही होगी ठीक है ना तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल अब यहां पे आप देखो

टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल करना अब देखो यहाँ पे बार लगता है बार का मतलब क्या हुआ जैसे फॉर एग्जांपल ये संख्या बार-बार रिपीट हो रही है 45 तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं .45 बार अब बार अब ऐसे भी समझ सकते हो बार मतलब बारम बार आएगी ठीक है ना बार-बार आएगी वो संख्या तो ये संख्या क्या है बार बार आ रही है तो मैंने ऊपर बार लगा दिया यहां पे तो इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हो जैसे ये क्या था इसको मैं बोलूंगा पॉइंट थ्री बार केवल तीन रिपीट हो रहा है बार बार तो मैंने तीन के ऊपर यहां पे बार लगा दिया ठीक है तो अब इसके बाद हम लोग सबसे पहले बात करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल की उसमें कैसे क्वेश्चन बनते क्या बनते वो हम लोग देखने जा रहे हैं अब देखो जब हम लोग बात कर रहे हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल की ठीक है अब टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब आपको बता दिया मैंने कि किसी डेसिमलों के बाद कुछ संख्या बाद रुक जाएगा टर्मिनेट हो जाएगा जैसे कि फॉर एग्जांपल वन पॉइंट सेवन फाइव हो गया थ्री पॉइंट फोर फाइव हो गया फोर पॉइंट सेवन हो गया तो आप देखो क्या हो रहा है दशमलो के कुछ अंक के बाद ये रुक जा रहा है ठीक है ना अब देखो यहां चीज समझने वाली जो है वो सबसे पहले क्या है अगर आपने पिछली क्लास देखी होगी तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं मैं इसको लिख सकता हूं वन सेवेंटी फाइव अपॉन हंड्रेड ये क्या हो जाएगा थ्री फोर्टी फाइव अपॉन हंड्रेड और ये हो जाएगा फोर सेवन टू नाइन अपॉन थाउजेंड ठीक है तो अगर आप एक चीज यहां पे नोटिस करो ध्यान से अगर आप यहां पे एक चीज नोटिस करो ध्यान से तो यहां पे नीचे क्या आ रहा है नीचे टेन की पावर यहां पे टेन की पावर टू आ रही है भाई सौ का मतलब क्या हुआ टेन की पावर टू ये भी टेन की पावर टू ये टेन की पावर थ्री है एक और चीज जैसे मान लो अगर ऐसा दे दिया कहीं पे थ्री पॉइंट फोर तो इसका मतलब क्या हो गया थर्टी फोर अपॉन टेन टू पावर वन तो अगर इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर दशमलव के बाद कुछ अंकों बाद संख्या टर्मिनेट हो जा रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि डिनोमिनेटर में या हर में या तो टेन मिल रहा होगा या टेन की पावर मिल रही होगी भाई टेन या टेन के आपका 10 दस या दस कैसे तो टेन की पावर वन टू थ्री इस तरीके से आपको कुछ ना कुछ मिल रहा होगा जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सौ मिल रहा है यहां पे हजार मिल रहा है यहां पे वन मिल रहा है तो इसको आप ऐसे भी समझ देखो यहां से दो तीन लर्निंग है पहली लर्निंग ये है कि अगर ये टर्मिनेट कर रहा है दशमलव के बाद तो एक चीज कंफर्म है कि हर में या तो दस होगा या सौ होगा या हजार होगा इस तरीके से टेन की पावर कुछ ना कुछ होगा इसको उल्टा भी समझ सकते हो कि अगर मैं कहीं पे ऐसे दे दू वन अपॉन टेन अब इससे मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूं अगर नीचे टेन आ रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि दशमलव के बाद एक अंक होगा यही तो मतलब हुआ कि नहीं भाई दशमलव के बाद एक अंक होगा क्यों चूंकि पावर वन कह सकते हो अगर मान लो मैं इसी संख्या में वन फोर सेवन फाइव अपॉन टेन का स्क्वायर कर दूं तो अब इसका मतलब क्या है इसका मतलब हुआ कि अब दशमलव के बाद दो अंक आ रहे होंगे भाई दशमलव के बाद या इस लास्ट से दो अंक पहले दशमलव आ रहा होगा ठीक है ना तो ये कंक्लूजन आप यहां से निकाल सकते हो पहला कंक्लूजन क्या हुआ अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो डिनोमिनेटर में या हर में या तो दस होगा या टेन की पावर में कोई नंबर होगा और उल्टा भी बोल सकते हैं अगर हर में टेन की पावर में कोई नंबर है फॉर एग्जाम्पल टेन की पावर वन है तो हम बोलेंगे दशमलव दशमलव के 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 बाद 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 एक अंक अंक होगा होगा की की पावर पावर है है तो तो दो अगर हर में तो दस के बाद, आ, पॉइंट के बाद तीन अंक होगा इस तरीके से आप इसको प्रॉपर तरीके समझ सकते हो देखो ये वाला जो कंक्लूजन है इससे क्या होता है कई बार हम ऑप्शन की मदद से क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते यहीं पे नहीं बहुत और जगहों पे भी हम लोग इस कॉन्सेप्ट को लगा सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अब सबसे पहले यहाँ पे एक देखो। एक चीज चीज देखो, कंफर्म हुई, टर्मिनेट कर रहा है मतलब नीचे दस बन रहा होगा, ये हमें कंफर्म हो गया ठीक है तो अगर संख्या एन अपॉन टेन है तो इसका मतलब क्या हुआ जो भी आपका नंबर होगा डेसिमल के बाद एक अंक आ रहा होगा जो भी संख्या होगी यहाँ पे कुछ भी संख्या हो सकती है लेकिन डेसिमल के बाद एक अंक आएगा अगर टेन स्क्वायर है तो इसका मतलब हुआ संख्या आएगी फिर दशमलव के बाद दो अंक आ रहा होगा टेन का क्यूब है तो दशमलव के बाद तीन अंक आ रहा होगा यह चीज क्लियर हुई ठीक है अब बात करते हैं दस आता कैसे है दस बनेगा कैसे ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिस्टम में फिर से पढ़ाया जाता है जहां पे हम लोग नंबर ऑफ जीरोस निकाल रहे होते हैं तो वहां पे हम लोग इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं अभी आप थोड़ा सा यहां पे देख लो देखो जब हम दस की बात करते हैं तो एक दस जो बनता है वो दो और पांच के पेयर से बनता है अगर एक पेयर है दो और पांच का तो एक दस बन जाएगा अगर मान लो दो पेयर है दो और पांच का फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ है सौ को देखो क्या करोगे आप सौ लिखोगे टू इंटू फाइव एंड टू इंटू फाइव अभी क्या हो गया यहां पे आपका यहां पे आपके दो और पांच के दो पेयर बन गए देखो दस दहमा सौ तो अब यहां पे आपको सौ बन रहा होगा तो अब सिंपल सा है अगर आपको दस या दस की पावर में कोई नंबर बनाने हैं तो आपको सिंपली देखना होगा कितने दो और पांच के पेयर बन रहे हैं वही डिसाइड कर रहा होगा कि दशमलव के बाद कितने अंक होंगे अब दो और पांच से फॉर एग्जांपल अगर कहीं ऐसा दे दे अब ये कंफर्म है कि भाई ये टर्मिनेट नहीं करेगा ये नंबर टर्मिनेट नहीं होगा क्यों? क्योंकि तो अगर नीचे तीन आ गया तो आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो यहां पे इंटीजर क्या ये दस बन पाएगा नीचे कभी दस नहीं बन पाएगा आपका फॉर एग्जांपल लेके देखते जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं फोर्टी सेवन अपॉन थ्री मान लो मैंने एक नंबर ले लिया और मैं देखना चाह रहा हूं कॉन्सेप्ट हमें कह रहा है अगर डिनोमिनेटर में तीन आ गया तो अभी टर्मिनेट नहीं हो पाएगा ठीक है ना क्यों बताया लॉजिक अभी अब देख लेते हैं फोर्टी सेवन को तीन से भाग करके देखते हैं तो कितना आ गया तीन एक तीन, तीन पचे पंद्रह दो बचा दशमलव लगाया जीरो किया छक अठारह फिर से देखो दो आ गया जीरो लगाया तीन छक अठारह अब ये चलता रहेगा इस तरीके से खत्म नहीं होने वाला खत्म नहीं है देखो आप ये बार बार क्या हुआ दो आता रहेगा जीरो लगाओगे अठारह करते रहोगे यहां पे पर आता रहेगा बार बार ये टर्मिनेट कभी होगा ही नहीं ऐसे केस में तो अगर नीचे दस नहीं बन रहा तो आप दशमलों को टर्मिनेट कभी नहीं कर पाओगे लेकिन अब देखो फॉर एग्जाम्पल कहीं ऐसा दिख जाए अब एन अपॉन टू दिख गया अब कहोगे सर ये भी टर्मिनेट नहीं होगा क्योंकि दस तो नीचे नहीं मिल रहा है ठीक है ना लेकिन यहाँ पे ध्यान से आप देखो दस मिल नहीं रहा लेकिन हम दस बना तो सकते हैं कैसे दस बनाएंगे दस बनाने के लिए हमको दो और पांच का पेयर चाहिए अगर मैं यहाँ पांच से गुणा कर दू और ऊपर भी पांच से गुणा कर दू तो ये बन गया दस की नहीं बन गया और हमारे इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं हुई जितने से हम अंश में गुणा कर रहे हैं उतने से ही हम हर में भी ठीक है? तो है अब नीचे अगर दो है तो लगेगा यार ये तो दस नहीं बन रहा है लेकिन अगर मैं यहाँ पे पांच से गुणा कर दू ऊपर भी पांच से गुणा कर दू तो ये सिंपली कितना आएगा पचपन बटा दस या फिर 5.5 देखो टर्मिनेट हो गया कि नहीं शांत हो गया कि नहीं हो गया टर्मिनेट हो गया यहाँ पे ना तो लॉजिक आप समझो कि आपको कई बार दो और पांच का पेयर बनाना होगा कई बार आपको डायरेक्टली नहीं दिया होगा तो ऐसे केस में भी आपको आंसर मतलब टर्मिनेट हो जाएगा ठीक है लेकिन नीचे सिर्फ दो ही और पांच होना चाहिए बस अगर ऐसा दे दे मान लो फॉर एग्जाम्पल एन अपॉन टू इंटू थ्री ठीक है ना तो ऐसे केस में भी आपको लग रहा होगा कि यहाँ पांच से गुणा कर दें और यहां से नीचे दस तो मिल गया लेकिन भाई ये तीन भी तो मिल रहा है और इस तीन को आप दस के फॉर्मेट में ला ही नहीं पाओगे कभी भी तो ये भी आपका टर्मिनेट नहीं होगा नंबर ये भी नंबर आपका टर्मिनेट नहीं होगा कभी भी तो बस समझना क्या है कि नीचे हमें दो और पांच ही चाहिए बस ठीक है अब देखो एक क्वेश्चन देखते हैं यहां पे जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऐसा कुछ दे रखा है तो इसका मतलब क्या हुआ आप यहां पे फाइव की पावर थ्री कर दोगे और यहां पे भी फाइव की पावर थ्री कर दोगे तो अभी कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा वन ट्वेंटी फाइव एन अपॉन टेन की पावर थ्री ठीक है ना तो अब एक चीज इसको देख के आप कंफर्म कर सकते हो कि भाई जो भी आंसर आएगा लेकिन जहां भी डेसिमल डेसिमल लगेगा, उसके बाद केवल तीन अंक होंगे ये कंफर्म है। decimal के बाद केवल तीन अंक होंगे ये कंफर्म हो गया आप एक वैल्यू लेके देख लो अगर मैं एन की वैल्यू मान लो वन ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा अगर आपने एन की वैल्यू वन ली तो सिंपली हो जाएगा वन ट्वेंटी फाइव अपॉन 10 की पावर 3 तो 10 की पावर आप जब 3 करोगे तो कितना हो जाएगा ये ये हो जाएगा 1000 तो ये कितना आ जाएगा ये डेसिमल के बाद 0.125 आपका आंसर आ रहा होगा ठीक है ना तो मतलब बस आपको ये समझना है कि किस तरीके से आपको इसको करना है अब जैसे यहाँ पे एक चीज और कर सकते हो कि मान लो आपने n की वैल्यू दो ले ली शुरुआत में क्या क्वेश्चन था n अपॉन 2 की पावर 3 ठीक है ना अब आपके दिमाग में आ सकता है सर मैं एन की वैल्यू दो ले लेता हूं तो क्या होगा देखो जब आप एन की वैल्यू दो ले लोगे तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा क्या हो जाएगा ये सिंपली हो जाएगा टू अपॉन टू की आ, क्यूब तो ये सिंपली क्या जाएगा वन अपॉन टू का स्क्वायर ठीक है ना अब आपको जब इसको डेसिमल में बनाना है तो क्या करना पड़ेगा यहां पे फाइव स्क्वायर से और यहां पे भी आपको फाइव स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा तो ये सिंपल से क्या हो जाएगा पचम पच्चीस बटा सौ तो ये कितना पॉइंट टू फाइव आपका आंसर आ रहा होगा ठीक है तो यहाँ पे सौ था तो डेसिमल के बाद दो अंक आ रहे होंगे तो अगर आपने ऊपर दो ले लिया कई बार होता है कंफ्यूजन ना कि सर इसको ही दो ले लिए तो तो अब यहां पे सोचो ना अगर मैं दो ले लू तो ढाई सौ हो जाएगा ठीक है ना ढाई सौ मतलब पॉइंट आपका टू फाइव टू फाइव जीरो

ठीक है तो ये पच्चीस बटासाइव आपका आंसर आ रहा होगा तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है अगर ऊपर आपको ऐसा नंबर लोगे तो कट के आपको बस नीचे देखना है, नीचे देखना कैसे आपका दस बन रहा है है ठीक अब देखो जैसे मान लो कहीं ऐसा दे रखा है एन अपॉन टू स्क्वायर इन टू फाइव क्यूब ठीक है तो अब क्या करोगे आप यहां पे अब बताओ कितने अंक डेसिमल के बाद कितना अंक आएगा दशमलव के बाद कितना अंक आएगा अब ध्यान अगर दो तो यहां पांच की तीन बार है और दो दो ही बार है तो अगर मैं एक दो से गुणा कर दू तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा टू एन अपॉन और नीचे कितना जाएगा टू की पावर थ्री इन टू फाइव की पावर थ्री मतलब अब ये कंफर्म हो गया कि जो भी आपके अंक आ रहे होंगे जो भी आपका नंबर आएगा डेसिमल के बाद तीन अंक होंगे ये कंफर्म हो गया क्यों क्योंकि नीचे टेन की पावर थ्री है तो ये आप यहां से चीज को समझ सकते हो तो इसको जरा और भी अगर आप देखो तो यहाँ मैक्सिमम है मान लो दो की पावर दो था पांच की पावर तीन है तो जो भी मैक्सिमम पावर है उतने ही जैसे देखो यहाँ पे क्या होगा भाई हमने दो से गुणा करके तीन पेयर बना लिए तो मतलब जो मैक्सिमम पावर है उतना ही डेसिमल के बाद अंक आ रहे होंगे ये कंफर्म है तो इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं आप इसको ऐसे भी लिख लो चाहो तो कि अगर n के बाद मान लो 2 की पावर p 5 की पावर q दे रखा है और पहली कंडीशन है p इज मोर देन q और दूसरी कंडीशन है q इज मोर देन p तो इस केस में क्या होगा दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे ये आपके पी अंक आ रहे हैं क्योंकि पी बड़ा है जो भी पावर बड़ी होगी दशमलव के बाद उतने ही अंक आएंगे और अगर क्यू बड़ा है तो जो भी आंसर आएगा उसमें दशमलव के बाद यह कन्फर्म है कि कितने अंक आएंगे क्यू अंक आ रहे होंगे ठीक है तो कोई भी क्वेश्चन लेके देख लो जैसे मान लो कहीं ऐसे दे रखा n एन टू की पावर सेवन इन फाइव स्क्वायर आंख बंद करके बोल सकते हो कि टू की पावर ज्यादा है तो दशमलव के बाद एक दो तीन चार पांच छ सात अंक आ रहे होंगे ये कंफर्म है आपका ठीक है तो ये कई बार क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारी मतलब होता है ना कि बहुत आसान कर देता है उसको सॉल्व करना देखते हैं क्वेश्चन मुझे लगता है एक क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में शायद यहां पर डलवाया हुआ है मैंने एक मिनट ये सारे क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व कर रहे होंगे आई होप शायद लास्ट में होपाय होगा मैं एक मिनट बस वहां पे हम लोग पहुंचते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन दे रखा इफ टू पॉइंट फाइव टू फाइव टू फाइव टू फाइव टू बराबर पी अपॉन क्यू ठीक है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू अपॉन पी अच्छा अभी इसको आप शायद थोड़ा सा और पढ़ाना पड़ेगा तब इस पे आते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा रिकरिंग डेसिमल वाला भी कॉन्सेप्ट लगेगा तो एक बार रिकरिंग डेसिमल वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और उसके बाद फिर हम लोग इस वाले कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे उसमें दिक्कत नहीं है थोड़ा समय लगेगा तो अभी थोड़ा चूंकि अभी सॉल्व नहीं हो पाएगा ये चीज ठीक है तो ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल यहाँ पे खत्म होता है अब हम लोग बात करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के बारे में ठीक है ना तो अब देखो इसको पहले हम लोग देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल जो हम लोग बात कर रहे हैं ये कैसे होता है देखो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ऐसा कुछ लिख दे पॉइंट थ्री 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 ये मैंने आपको बताया ये चलता रहे इनफोनाइट तक तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेट नहीं कर रहा है और रिपीट भी कर रहा है या फिर पॉइंट फोर फाइव फोर फाइव फोर फाइव इस तरीके से इनफोनाइ तक जा रहा हो कैसे भी आप ले सकते हो पॉइंट सेवन 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 ये कई बार कुछ संख्या के बाद रिपीट करता है जैसे फोर टू फाइव टू फाइव टू फाइव के तुरंत बाद रिपीट करना चालू नहीं किया ठीक है इससे पहले भी संख्या लगी हो सकती है ये इट कैन बी टू पॉइंट फोर टू फाइव टू फाइव टू फाइव टू फाइव टिल इन्फोनाइट तो कैसे भी आपको ये आ सकता है बस कंडीशन क्या है टर्मिनेट नहीं होगा और रिपीट हो रहा होगा अब देखो जब भी ऐसा कोई चीज होता है तो हम मैंने आपको बताया ना बार बोलते हैं हम लोग जैसे मैंने आपसे कहा कि अब इसको हमें लिखना है मान लो ये लिखना है हमें तो इसको इसको मैं मैं क्या लिखूंगा पॉइंट थ्री बार ठीक है ना पॉइंट थ्री बार ये हमारा क्या हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा पॉइंट फोर फाइव बार अब यहां पे फोर फाइव रिपीट हो रहा है तो हमने फोर फाइव के ऊपर बार लगा दिया यहाँ पे क्या हो जाएगा ये यहां पे हो जाएगा पॉइंट सेवन बार ये क्या हो जाएगा अब देखो यहां पे रिपीट कहां से हो रहा है फोर के बाद रिपीटिशन है तो हमने टू फाइव के ऊपर सिर्फ बार लगाया ठीक है अब देखो करेक्ट फॉर्मेशन क्या होती बार की वो समझते हैं। जैसे मान लो कहीं मैं ऐसा लिख रहा हूं कि फोर पॉइंट सेवन फाइव टू एट टू एट टू एट इस तरीके से कुछ दे रखा है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं देखो इसको मैं एक तो ऐसे लिख सकता हूं फोर पॉइंट सेवन फाइव टू एट बार ठीक है या फिर इसी चीज को आप ऐसे करके भी लिख सकते हो फोर पॉइंट सेवन फाइव टू एट टू एट बार बात एक ही आएगी दोनों में लेकिन सही तरीका यही है कि आप पहली बार में ही बार उसमें लगा दो या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 4.75282 बार अभी भी आप देखो तो ये कितना आएगा यही तो आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा फोर पॉइंट सेवन सेम चीज ही चल रही होगी तो ये किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है हर चीज सही है लेकिन एक होता है ना कि तरीका क्या है किसी चीज को करने का तो तरीका जो सही तरीका है वो ये तरीका है आपको सही से इसको प्रॉपर वे में लिखने का तो जैसे मान लो कहीं पे ऐसा लिखा है कि जीरो, जीरो पॉइंट थ्री बार या फिर ऐसे लिखा हुआ है पॉइंट थ्री थ्री बार आ, थ्री थ्री के दोनों के ऊपर बार तो एक ही बात है दोनों दोनों अलग अलग नहीं है दोनों एक ही चीज है लिखने का तरीका अलग है ज्यादा सही तरीका ये वाला है ठीक है ना अच्छा अब मुझे आप बताओ कि क्या अगर मैं ऐसे लिख दूं कहीं पे क्या ऐसे पॉसिबिलिटी है 4.752 2 के ऊपर भी बार लग जाए और 7 के ऊपर भी बार लग जाए तो ये गलत तरीका है डेसिमल के बाद एक ही नंबर पे बार लास्ट वाले पे ही लग रहा होगा ठीक है ना और बीच में यहां बार नहीं आएगा कि आपने 7 के ऊपर भी बार लगा दिया या 2 के ऊपर बार लगा दिया तो ये एकदम गलत तरीका है आप लास्ट में ही बार लगा रहे होंगे लेकिन क्या ये पॉसिबल है फोर के ऊपर डेसिमल के राइट सॉरी नॉट राइट लेफ्ट हैंड पे लेफ्ट हैंड पे जो नंबर उसके ऊपर बार लगा दो आप क्या ये पॉसिबल है ये बिल्कुल पॉसिबल है देखो जब डेसिमल के राइट right हैंड पे बार होता है तो उसका मतलब होता है कि बार बार वो सेम नंबर रिपीट हो रहा है लेकिन जब लेफ्ट हैंड पे बार होता है तो इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है माइनस ये हो जाएगा माइनस फोर प्लस तो इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो थ्री पॉइंट लग जाएगा ठीक है ना आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो हमारा काम इतने में हो जाएगा तो जनरली सॉल्व नहीं करना होता इसको इतने में ही हमारा काम हो जाता है लेकिन आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हो या लिख सकते हो तो इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो रिकरिंग डेसिमल है उनको हम कैसे p/q के फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं सबसे पहला कॉन्सेप्ट अब जैसे मान लो कहीं पे हमें दिया है हम जैसे x बराबर इस तरीके से जा रहा है आपका 0.7777 टिल इनफिनिटी ठीक है अब अगर मान लो मैं दोनों तरफ 10 से गुणा कर दूं आपको इस बस देख लो एक बार समझने के लिए है बाद में हम डायरेक्टली इसका आंसर लिख रहे होंगे बार बार इसको नहीं करना है तो यहां सेवन सेवन तो ये भी आपका इंफोनाइट तक हो गया कि नहीं हो गया ठीक है और आप देखो जब ये इन्फोनाइट तक है तो इसकी वैल्यू कितनी थी इसकी वैल्यू थी एक्स के बराबर तो यहां से आपको क्या मिल गया यहां से आपको मिल गया टेन एक्स बराबर सेवन प्लस एक्स ठीक है ना इसकी वैल्यू के मैंने एक्स के बराबर रख दी इसको इधर लाओगे नाइन एक्स हो जाएगा 9X बराबर 7, तो कितना आ गया एक्स बराबर सेवन अपॉन नाइन जो कि पी बाई क्यू के फॉर्मेट में आपका आ गया तो यहां पे आप समझो यहां पे आपका डेसिमल के बाद एक नंबर रिपीट हो रहा था तो यहां पे नीचे एक नाइन आया है अगर मान लो दो नंबर रिपीट हो रहे हैं जैसे कि ये है फोर फाइव फोर फाइव फोर फाइव तो यहां पे हम क्या करेंगे यहां पे हम जो भी संख्या रिपीट लिख लोगे। दो संख्या रिपीट हो रही है तो हम दो बार नौ लगा देंगे हम दो बार अब इसे आप कट कर सकते हो तीन से कट जाएगा तीन कम तीन पंद्रह आ गया और ये अपॉन थर्टी थ्री आ गया ना हा फिर कट जाएगा तीन से आपका ये फाइव अपॉन इलेवन आपका आंसर आ जाएगा ठीक है तो आप उसे सिंप्लीफाई फर्दर कर सकते हो आपके ऊपर है अदरवाइज आप क्या करोगे जो भी संख्या दे रखी है दो संख्या आपकी रिपीट हो रही है तो दो बार आपने नीचे वहां पे नाइन लगा दिया ठीक है अब जैसे मान लो कहीं ऐसे दे रखा है ए बी सी बार ठीक है तीनों पे बार है तो हम इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा? आएगा इसका आंसर अपॉन अपॉन ठीक है ना? A, B, 999. अगर लो सिर्फ दो संख्या पे बार है तो ये ए बी अपॉन डबल नाइन हो जाएगा सिर्फ एक संख्या पे बार है तो ये ए अपॉन नाइन हो जाएगा जितनी संख्याओं पे बार है उतना आप नीचे नौ लगा दोगे वो आपको आंसर मिल जाएगा ठीक है बहुत बार सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी एग्जाम में बच्चों से पूछ लिए जाते हैं अब देखो कई बार ऐसे देता है आपको जैसे संख्या यूं दे दे फोर फाइव बार ठीक है तो अब इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ वन .45, 45 45 या इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं वन प्लस 0.454 ये चलता रहेगा 45 45 45 ये चलता रहेगा इस तरीके से ठीक है ना अभी क्या हो गया ये 1 आ गया और ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 45 upon 99 या हमने अभी सॉल्व किया कितना आ रहा था ये ये आपका 5 upon 11 आ रहा था तो हम इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं 1 5 11 तो 11 5 कितना हो जाएगा 16 11 आपका आंसर आ जाएगा ठीक है तो ये चीज भी आपको समझ में आनी चाहिए अब आते वो वाले क्वेश्चन जो हम उस समय ले रहे टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला, हम नहीं कर पाए थे अब आप उस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो अब आप उस क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो देखते हैं एक बार उसको हम लोग लास्ट में था सबसे आई होप जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी हम ले लेंगे अब यहां क्वेश्चन क्या है इफ दिस बराबर p अपॉन q तो क्या दिया हुआ है आपको दे रखा है जस्ट मिनट आई थिंक इसको लॉक करना पड़ेगा देन ये होगा अब क्या दे रखा है p अपॉन q बराबर हम इसको क्या लिख सकते हैं टू प्लस पॉइंट फाइव टू फाइव टू इस तरीके से है तो इसको मैं टू प्लस अब ये कितना हो जाएगा हमारा ये हमारा हो जाएगा फिफ्टी टू अपॉन नाइनटी नाइन ठीक है अब ये कटेगा तो है नहीं मुझे लग रहा है तो ये कितना हो नाइनटी एट प्लस फिफ्टी टू अपॉन नाइन सिंपली टू फिफ्टी अपॉन नाइनटी आ गया ये तो आ गया p अपॉन q की वैल्यू लेकिन आपसे पूछ रहा q अपॉन p की वैल्यू क्या होगी तो q अपॉन p क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 99 नाइन अपॉन टू अब अगर आप यहां ध्यान से देखो तो सॉल्व इसको भी कर सकते हो आंसर मिल जाएगा लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस तो और जल्दी आंसर मिल जाएगा क्या मैं मैं इसको ऐसे कर सकता हूं अपॉन को मैं लिख दू, 25 गुणे 10. अब ये क्या हो जाएगा निन्यानबे पच्चीस क्या है पांच का स्क्वायर दस क्या है पांच गुणे दो अब इसको मैं लिख सकता हूं निन्यानबे अपॉन पांच की पावर तीन गुणे दो अब देखो फाइव की पावर थ्री मिल रहा है तो हमने इसको देखा था मतलब जो मैक्सिमम पावर होगी दशमलव के बाद उतने ही अंक होंगे तो आप देखो दशमलव के बाद कहां पे तीन अंक मिल रहा है ये आंसर हो सकता है नहीं हो सकता क्योंकि यहां दशमलव के बाद एक अंक है यहाँ पे तीन दो पांच अंक है यहाँ पे चार अंक है यही आपका आंसर होगा

तो नॉर्मली भी आप इसको दस से पेयर बना के दो और पांच के वहां से भी आप समझ सकते हो कि किस तरीके से आपका आंसर आएगा यहां पे ठीक है तो ये तो हो गया पहला केस अब बात करते हैं इसमें और भी केसेस होते हैं हमारा केस क्या मिला पहला केस हमारा आया कि भैया अगर ये लगा हुआ है तो आंसर आएगा ए अप नाइन अगर ए बी पे लगा हुआ है तो आएगा ए बी अपॉन नाइनटी नाइन और अगर ए बी सी पे लगा हुआ है तो ये आएगा सॉरी ए बी सी अपॉन नाइन 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 ठीक है और अगर मान लो वन प्लस या टू पॉइंट ए बी सी आ गया बार में इसको हम लोग लिखेंगे टू प्लस ए बी सी अपॉन नाइन 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 ये आपका पहला चीज हो गया जो आपको समझ में आना चाहिए अब देखो इसके बाद कई बार क्या होता है कि डेसिमल के तुरंत बाद रिपीट नहीं हो रहा होता है जैसे कि ऐसा कहीं दे रखा है जीरो पॉइंट फोर सेवन फाइव बार अब इसका मैं आपको डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं कैसे करोगे आप इसको इसको सबसे पहले आपको जो संख्या यहां दी उस संख्या को ले लो संख्या है फोर सेवनटी फाइव माइनस जो संख्या रिपीट नहीं कर रही है फोर आपका रिपीट नहीं हो रहा तो माइनस फोर अपॉन जितनी संख्या रिपीट हो रही उतनी बार नौ लगाओ जो पहले करते आ रहे हैं तो दो संख्या रिपीट हो रही दो बार हम नौ लगा देंगे और एक संख्या रिपीट नहीं हो रही है तो उतनी बार हम जीरो लगा देंगे ये आपका आ जाएगा फोर वन अपॉन नाइन नाइन जीरो सात चार ग्यारह बारह तीन से कट जाएगा ये तीन एक कम तीन आ, तीन पचे पंद्रह तीन सत्ते इक्कीस तीन तरीक का नौ तीन तरीक का नौ आ, अभी फर्दर आपका किससे कटेगा एक बार चेक कर सकते हो आप अदरवाइज यही आपका आंसर हो जाएगा ठीक है ना तो लॉजिक क्या है अगर मान लो एक अंक बाद रिपीटिशन हो रहा है तो हम क्या करेंगे हम पहले पूरा अंक लेंगे जो अंक रिपीट नहीं कर रहा उसको माइनस करेंगे अपॉन में क्या कर रहे होंगे जितनी बार रिपीट हो रहे जो अंक रिपीट हो रहे उतनी बार नौ लगाएंगे। जो अंक रिपीट नहीं होगा पॉइंट ए बी सी डी बार सिर्फ सी डी पे लगा हुआ है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे इसका आंसर आएगा सबसे पहले ए बी सी डी लिख लो माइनस करो जो रिपीट नहीं कर रहा ए बी रिपीट नहीं कर रहा अपॉन दो अंक रिपीट कर रहे हैं दो बार नौ लगा दिया दो अंक रिपीट नहीं कर रहे हैं दो बार जीरो लगा दिया तो ये आपका आंसर यहां पे हो जाएगा कोई भी केस ले लो जीरो पॉइंट पी क्यू आर एस केवल एस पे बाल लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा पी क्यू आर एस माइनस पी क्यू आर अब क्यूँ स्मॉल हो गया पी और आर बड़ा हो गया कोई उससे फर्क नहीं पड़ रहा आप समझने के लिए है अपॉन तीन अंक आपके या एक अंक रिपीट हो रहा तो एक बार नौ लगा दिया तीन अंक रिपीट नहीं हो रहा तीन बार हमारा जीरो लग गया तो ये हमारा आंसर आ गया तो इस तरीके से भी आप चीजों को देख सकते हो अभी हम इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो वो आपको समझ में आ जाएंगे जैसे कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर में आए होंगे या फिर अभी हम लोग कैसे जोड़ते हैं उसकी बात करेंगे सबसे पहले हम लोग अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन आया हुआ है एससीएम में ठीक है अब ये क्वेश्चन दे रखा है आप इसको आसानी सॉल्व कर सकते हो कैसे करोगे सॉल्व सेम तरीका लगाओ सबसे पहले फाइव एट सेवन लिखो क्या रिपीट नहीं हो रहा फाइव रिपीट नहीं हो रहा हा फिर दो अंक रिपीट हो रहे हैं एक अंक रिपीट नहीं हो रहा आपका तो आंसर कितना हो जाएगा इसका आंसर आपका आ जाएगा 582 एटी टू अपॉन नाइन ठीक है सबसे पहले दो ही से काट दो तो दो चार दो नवा अठारह एक और दो चौक आठ दो नवा अठारह दो पंचे दस ठीक है अब किससे कटेगा ये तीन से कट जाएगा क्या नौ और पांच चौदह चार अठारह कट जाएगा तीन से ये तो तीन सत्ते इक्कीस सॉरी जाएगा जाएगा ना, त्रिक त्रिक नहीं, सॉरी, दो बच गया एक, एक कितनी बार जा रहा होगा तीन एक कम तीन उन्नीस हो गया तीन छक अट्ठारह तीन पचे पंद्रह अब आप किससे काट सकते हो सोलह नाइनटी सेवन अपॉन वन सिक्सटी फाइवर नहीं ब्रेक होगा ठीक है तो सिंपल सा लॉजिक क्या है कि आप इन सारे क्वेश्चंस को अगर आपको ये पता है देखो आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन रिसेंटली आया हुआ है दो में लेकिन आपको ये लॉजिक पता होना चाहिए कैसे इसको हम लोग निकालते तो आप आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हो अब ऐसे ये क्वेश्चन है तो अब देखो यहां पे फाइव पहले लगा हुआ है तो फिर से वही करेंगे हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं फाइव प्लस पॉइंट फाइव सेवन एट और बार जो है के ऊपर है, तो फिर से वही लॉजिक। अब देखो फाइव तो हर जगह पे, ये। तो ये पे रिकरिंग है और एक नॉन रिकरिंग है तो दो नाइन लगाया एक जीरो लगा दिया ये कितना हो जाएगा आपका सेवेंटी एट से फाइव गया कितना फाइव सेवन एट मा से फाइव गया तो फाइव सेवन थ्री हो जाएगा आपका अपॉन नाइन नाइन जीरो कोई डायरेक्टली आंसर कहीं दिख रहा है क्या अब यहाँ पे देखो दो लगा हुआ है पर अगर हम इसको करेंगे तो ये फाइव आएगा तो ये तो आंसर नहीं होगा कंफर्म है ये ब्रेक कर लेते हैं फर्दर सात तीन दस पांच पंद्रह तीन से कट जा रहा है तो तीन इक्कम तीन सत्ताईस आ गया तीन नवा सत्ताईस तीन इक्कम तीन तीन तरीक नौ तीन सौ तीस आ गया वन नाइनटी वन अपॉन थ्री थर्टी तो देखो ये सिंपल यही आंसर हो जाएगा क्योंकि ये कितना आ गया फाइव प्लस 191 नाइनटी अपॉन आ गया जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 5191 वन नाइन वन अपॉन थ्री दोनों सेम ही चीज है आपकी तो ए आपका आंसर हो जाएगा तो देखो लॉजिक क्या है अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप आसानी से इन सारे क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते हो जस्ट अ अब देखो आ, ये तो हमने कर लिया अभी अभी अब ये सेवन टू थ्री पूरा बार है तो इसका आंसर डायरेक्टली निकल जाएगा आपका आंसर हो जाएगा सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है 71 वन अपॉन नाइनटी नाइन ये आपका आंसर हो जाएगा तो मतलब अगर आपको लॉजिक पता है तो आप आसानी से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो ठीक है ना अब देखते हैं यहां पे हम लोग तो ये हमारा सेकेंड तरीका हो गया इसी में इतना तो ये आ गया ये केसेस बनते हैं या फिर ये केसेस बन रहे होते हैं ये अगर आपको समझ में आ गया तो आपका ये बार को हम P के फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये समझ में आपको आ जाएगा अब देखो इसके बाद जो आता है जो मेन कॉन्सेप्ट है यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट क्या है कि हम बार को एड कैसे करते हैं सबस्ट्रैक्ट कैसे करते हैं वो चीज इंपॉर्टेंट है वो हमें समझनी है एक बार ठीक है ना अब देखो फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो हमें बार को एड करना है कुछ ऐसा दे रखा है जीरो पॉइंट फाइव सेवन बार प्लस 0.32 बार अब इसके दो तीन तरीके हैं जो आपको समझ में आना चाहिए पहला केस कौन सा बनता है हम लोग केस वन ले, ले लेते हैं इसको मान लेते हैं केस वन अब केस वन में क्या है कि जो हम दो बार को जोड़ रहे हैं तो यहां भी दो संख्याओं पे बार है और यहाँ भी दो संख्याओं पे बार है तो इसको हम मौजवानी कर सकते हैं लेकिन पहले हम लोग तरीका देख लेते हैं पहला तरीका तो क्या है हम इसको सिंपली लिख सकते हैं 57 अपॉन 99 भाई दो संख्याओं पे बार था 99 लगा दिया और इसको हम लिख सकते हैं 32 अपॉन 99 ये हमारा क्या हो जाएगा 72953 8 89 अपॉन 99 तो अगर आप ध्यान से देखो नीचे निन्यानबे मतलब क्या हुआ इसका मतलब संख्या कुछ ऐसे रही होगी कि नहीं रही होगी बार ये संख्या कुछ ऐसे रही होगी कि नहीं रही होगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसको इस तरीके से जब आप दिख रहा है आपको तो आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो ये आपको समझ में आना चाहिए दोनों चीज एक ही है अब सेकेंड तरीका क्या होता है जो आप एक बार समझो प्रॉपर तरीके से कि आपको क्या करना है इसको डेसिमल में मान लो हमें जोड़ना या घटाना है तो अब ये क्या हुआ हम फाइव सेवन फाइव सेवन फाइव सेवन लिख दिया हमने तो यही तो मतलब हुआ और दूसरे वाले क्या मतलब हुआ थ्री आ, टू थ्री टू थ्री टू इस तरीके से लिख दिया अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको जो समझना वो पहला कॉन्सेप्ट क्या है पहला कॉन्सेप्ट ये है कि यहां पे दो संख्याओं पे बार है यहां भी दो संख्याओं पे बार है तो अगर मैं दो और दो का बार देखूं तो रिपीटन यहां भी हर दो संख्या बाद हो रहा होगा यहां भी हर दो संख्या बाद हो रहा होगा तो मतलब यहाँ पे, पे दो संख्या होता तो हमको जो कॉमन मिलता ना जहां से रिपीटिशन होता तो हमें दोनों का एल्सियम लेना पड़ता सबसे पहला स्टेप क्या है जितने भी यहां रिपीट हो रहे नंबर जितने भी यहां रिपीट हो रहे नंबर उनका एलसीएम ले लो अब बाई चांस की बात है कि यहां भी दो ही नंबर रिपीट हो रहे हैं और यहां भी दो ही नंबर रिपीट हो रहे हैं मतलब जो फाइनल आंसर आएगा दो और दो का एलसीएम भी दो ही होता है मतलब फाइनल आंसर में दो ही संख्या रिपीट हो रही होगी अब आप इसको लिखो अब दो संख्या रिपीट होगी डेसिमल के बाद तो आप बस दो पेयर बना लो फिर लिखना चालू कर दो सात दो नौ पांच तीन आठ सात दो नौ पांच तीन आठ अब इसका मतलब क्या हुआ ये कुछ ऐसा आ रहा होगा पॉइंट एट नाइन एट नाइन इस तरीके से चल रहा होगा तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा इसका मतलब आंसर आंसर आएगा .89 बार ठीक है ना लॉजिक क्या था आंसर में कितनी संख्या रिपीट होगी किस पे डिपेंड करता है यहां पर जितनी संख्या रिपीट हो रही यहां पर जितनी संख्या रिपीट हो रही दोनों का आप क्या करो LCM ले लो भी हम लोग बात करते हैं उस पर तो देखो अगर मान लो दो संख्या यहा दो यहां रिपीट हो रही है तो इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है आप डायरेक्टली भी आंसर लिख सकते हो भाई दोनों को जोड़ दो 57 और 32 को जोड़ो कितना आ जाएगा आपका ये आपका 89 आ जाएगा तो मतलब डायरेक्टली हम यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं पॉइंट एट नाइन बार लेकिन ये तभी लिख सकते हो जब यहां भी दो रिपीट हो रही यहां भी दो रिपीट हो रही अगर दो से कहीं मान लो यहां तीन है यहां दो तब ये आप डायरेक्टली नहीं कर पाओगे आपको वहां पर दिक्कत होगी चलो एक क्वेश्चन देखते हैं मान लो कहीं पे क्वेश्चन ऐसे दे रखा है, है यहाँ पे इसमें क्या है हर पार्ट में तो एक संख्या बार है लेकिन यहाँ पे दो संख्याओं पे बार है तो ऐसे केस में क्या होगा आप किसी भी तरीके से चालू कर सकते हो इसको देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ ये टू अपॉन नाइन हो गया और ये थ्री अपॉन नाइन हो गया ये फोर अपॉन नाइन हो गया ये नाइन नाइन अपॉन हो गया और ये आपका थर्टी नाइन अपॉन नाइन हो गया ठीक है अगर आप इसको ब्रेक करो तो ये तीन दो पांच पांच चार नौ तो ये आपका वन हो जाएगा वन प्लस ये भी वन हो जाएगा और ये आपका थर्टी नाइन अपॉन नाइनटी नाइन हो जाएगा तो ये टू प्लस Upon 99, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो टू प्लस थर्टी नाइन बार सॉरी दो नौ है तो दो अंकों दशमलव के बाद दो अंक होंगे तो टू प्लस पॉइंट थ्री नाइन बार तो इसको सिंपली हम लोग टू पॉइंट थ्री नाइन बार लिख रहे होंगे अब देखो आंसर जिस फॉर्मेट में पूछा है अगर उसने फ्रैक्शन में पूछा है तो आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो उसने डेसिमल में पूछा आप डेसिमल में निकाल सकते हो बार में पूछा आप इसमें निकाल सकते हो वो डिपेंड करता है किस तरीके से क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा है अब ये तो हो गया पहला तरीका दूसरा तरीका क्या है आप इसको में बदल सकते हो कैसे पॉइंट टू 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 इस तरीके से चल रहा होगा दूसरा क्या है जीरो पॉइंट फोर 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 ही था ना नहीं थ्री था दूसरा है थ्री 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 फिर तीसरा क्या है फोर 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 आगे बढ़ता रहेगा फिर क्या है आपका नाइन 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 फिर आपका थर्टी नाइन थर्टी नाइन अब सबसे पहली चीज कितने संख्याओं पर बार लगेगा ये देखो तो वो डिपेंड करता है कि यहां पे एक संख्या पे बार है यहां पे दो संख्या पे बार दोनों कैल्सियम दो आ रहा है तो दशमलव के बाद दो संख्याओं पे बाल लगेगा ये कंफर्म है ठीक है ना पहला हमने क्या देखा दशमलव के बाद दो संख्याओं पे बाल लग रहा होगा अब आप दशमलव के बाद अगर कोई सब संख्या रिपीट है मतलब डायरेक्टली रिपीट देखो यहां भी हर नंबर रिपीट हो रहा है यहां भी हर नंबर रिपीट हो रहा है सब जगह हर नंबर रिपीट हो रहा कहीं ऐसा कुछ नहीं है जो रिपीट नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो दो संख्याओं पे बाल लग रहा होगा तो आप चार संख्या तक चले जाओ आपको आंसर समझ में आ जाएगा वहीं पे अब देखो जोड़ते हैं इसको नौ नौ और तीन पच्चीस पच्चीस दो सत्ताइस ठीक है सत्ताईस का मैंने यहां सात लिखा और इसको एक बॉक्स बना दिया बॉक्स क्यों बनाया समझाऊंगा अभी मैं आपको ठीक है आगे बढ़ते हैं आई होप ये दिख रहा होगा हाँ फिर से देखो यहाँ पे कितना है नौ तीन बारह बारह चार सोलह सोलह और तीन उन्नीस उन्नीस दो इक्कीस उन्नीस सौ दो इक्कीस दो आपका कैरी फॉरवर्ड आया था यहाँ से जो 27 दो आ गया। अभी फिर यहाँ से दो कैरी फॉरवर्ड जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका फिर वही आपका नौ तीन बारह चार सोलह तीन सोलह तीन उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस तेईस के तीन लिखा दो कैरी फॉरवर्ड आया यहाँ दशमलव लगाया यहाँ टू आ गया अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो थ्री नाइन आ रहा है यहाँ पे थ्री सेवन रिपीट तो नहीं हो रहा है एक्चुअल में देखो ये रिपीटिंग है हम यहाँ पे नाइन क्यों आ रहा है क्योंकि यहाँ से दो कैरी फॉरवर्ड आके यहाँ पे आया तो ये जुड़ के नौ आ रहा था इसीलिए मैंने यहाँ बॉक्स बनाया हुआ है क्योंकि इसके आगे भी संख्याएं होंगी ना और इन संख्याओं को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे भी दो कैरी फॉरवर्ड आता है जिसको हम लोग यहाँ पे कंसिडर नहीं कर भाई कहीं तो खत्म करना पड़ेगा ना तो इसके आगे भी सेम संख्या चल रही होगी तो जैसे यहाँ पे दो कैरी फॉरवर्ड होके नौ आया है वैसे यहाँ पे भी इससे कैरी फॉरवर्ड होके दो आ रहा होगा तो फाइनली यहाँ पे भी नौ ही आएगा तो कंफ्यूज नहीं होना इसको तो इसका आंसर कितना आएगा इसका आंसर टू बार आपका आंसर आ रहा होगा तो ये आपको समझ में यहाँ पे आना चाहिए ठीक है तो एक लॉजिक तो आपको यह समझ में आ गया भाई कि जितने अब कितने अंकों पे बार आएगा आंसर में वो डिपेंड करता है यहां पे दो अंक है यहां पे एक है दोनों के एलसीएम पे तो ये चीज आपको प्रॉपर समझ में आनी चाहिए अब देखते हैं मान लो दशमलव के बाद कोई संख्या रिपीट नहीं कर रही है तब कैसे करेंगे एक रैंडम एग्जांपल लेते जैसे मान लो कहीं पे दे रखा है ऐसे जीरो पॉइंट थ्री फाइव सेवन बार ठीक है ना और एक जगह दे रखा है जीरो पॉइंट फोर थ्री को मान लो हमें जोड़ना है या घटाना है कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा लॉजिक सेम रहने वाला है अब इनको अगर मान लो हमें जोड़ना है तो अब अगर हम मान लो इसको वो जाते हैं तरीके में कि अपॉन दिस में लिखे नाइन नाइन जीरो लगे बहुत लंबा हो जाएगा तो बेस्ट तरीका क्या है आप ऐसे क्वेश्चन को डेसिमल में ही सॉल्व करना चालू कर दो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं पॉइंट थ्री फाइव सेवन फाइव सेवन फाइव सेवन चलता रहेगा ठीक है ना दूसरा वाला कैसे लिखेंगे जीरो पॉइंट फोर थ्री फाइव 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 ठीक है अब सबसे पहला कॉन्सेप्ट कितने संख्याओं पर बार लगेगा तो यहां पे दो संख्याओं बार बार है, है, पे एक संख्या पे बार है, दोनों का एलसीएम ले लिया तो आंसर में दो संख्याओं पर बार होगा ये कन्फर्म हो गया पहली चीज सेकेंड चीज देखो कि यहां पे दो संख्या है जो रिपीट नहीं हो रही है यहां पर एक संख्या है जो रिपीट नहीं हो रही है तो ऐसे केस में मैक्सिमम संख्या देखो कहां रिपीट नहीं हो रही है मैक्सिमम यहां रिपीट नहीं हो रही दो संख्याएं हैं तो इसका मतलब आपके आंसर में भी दो संख्याएं ऐसी होंगी जो रिपीट नहीं होंगी आई बात समझ में कि नहीं अगर ये दो चीज समझ में आ गई ना तो आपका आंसर बहुत आसानी से कई बार बिना सॉल्व किए भी हो जाता है डायरेक्टली आप आंसर निकाल सकते हो अभी हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे क्या कॉन्सेप्ट है यहां पर दो संख्या रिपीट नहीं हो रही यहां पे एक संख्या रिपीट नहीं हो रही है हम देखेंगे हमने मतलब एक लाइन खींच दी ठीक है कितने संख्याओं मतलब यहां से पेयर बना लो दो का ठीक है जनरली दो पेयर बना लो अगर तीन संख्या रिपीट हो तीन तीन के दो बना लो अब यही से आपको रिपीटेशन मिल जाएगा अब देखो पांच पांच दस दस का मैंने यहां जीरो लिखा इसको मैंने बॉक्स में रखा क्योंकि ये समझ में तभी आएगा कि कितना कुछ कैरी फॉरवर्ड उधर तो नहीं आ रहा है अब यहां पे एक कैरी फॉरवर्ड आ गया पांच पांच दस ठीक है यह, यहां पे आएगा न, forward, एक ये आपका यहां पे आ गया एक अभी कितना आ गया सात एक आठ आठ पांच तेरह तेरह का मैंने तीन लिखा एक कैरी फॉरवर्ड आया पांच पांच दस और एक ग्यारह फिर से एक कैरी फॉरवर्ड आया सात पांच बारह और एक तेरा अब देखो यहां पे थ्री वन आ रहा है थ्री जीरो रीजन क्या है क्योंकि यहां से देखो जो सात पांच बारह को देख भी तो आ रहा होगा तो इस जीरो को आप क्या कर सकते हो इस जीरो को आप वन लिख सकते हो कंफ्यूज मत होना कि तो रिपीट ही कर, रिपीट होगा तो ये थ्री वन थ्री वन बार बार रिपीट हो रहा होगा ये कितना आएगा अब सात पांच बारह एक तेरह तेरह का तीन एक यहाँ कैरी फॉरवर्ड आता पाँच तीन आठ और एक नौ कर दिया और चार तीन सात कर दिया तो आंसर कितना आएगा आपका आंसर आएगा .7931 बार अब देखो के बाद दो अंक होंगे ऐसे जो कि आपके रिपीट नहीं कर रहे होंगे क्यों क्योंकि मैक्सिमम यहां पे दो अंक है जो रिपीट नहीं कर रहे हैं और कितने अंक रिपीट करेंगे ये किस पे डिपेंड करता है ये इन दोनों के एलसीएम पे डिपेंड कर रहा होता है ये दो कॉन्सेप्ट समझा देखो बहुत सारे क्वेश्चन आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो आते हैं प्रीवियस ईयर पे एक मिनट एसएससी का एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है और देखो आप उस क्वेश्चन को कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो ठीक है ये वाला क्वेश्चन देखते हैं

क्या ये आंसर हो सकता है बिल्कुल नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता क्योंकि यहां पे कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो रिपीट नहीं हो रही यहां सब रिपीट हो रहा है तो ये दोनों तो आंसर नहीं होगा अब बसता है ये वाला या फिर ये वाला अब देखो यहां पे एक संख्या पे बार है यहां पे दो संख्या पे बार है और माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ना ही लॉजिक है यहां पर एक संख्या पे बार है तो अगर तीनों का एलसीएम ले एक दो एक का तो एक चीज कंफर्म होती है कि कम से कम दो संख्याएं होंगी जिनके ऊपर बाल लगा होगा तो क्या यह आंसर हो सकता है बिल्कुल नहीं हो सकता तो सही आंसर क्या आएगा सही आंसर आपका सी आ जाएगा तो कई बार ऐसे मौके आते हैं अब टायर टू का क्वेश्चन है लेकिन आपने मिनट मिनटों तो, मिन, सेकेंडो में सॉल्व कर दिया इस क्वेश्चन को तो यह आपको समझ में आना चाहिए अगर वो लॉजिक समझ में आया क्वेश्चन हो जाएगा आसानी से

देखो अगर लाश के ना कुछ सेकेंड बचे हुए हैं कि कुछ पांच सेकेंड दस सेकेंड पंद्रह सेकेंड या मान लो बीस सेकेंड बचे आपको आंसर मार्क करना है आपने दो ऑप्शन काट दिए तब मैं कहूंगा ऐसे केस में आप एक आंसर मार्क कर दो क्योंकि चांसेस बहुत ज्यादा है कि वो सही होगा ठीक है ये प्योर तुक्का है मतलब मैं बता रहा हूं अगर दो आपने काट ले गए समय बहुत कम बचा हुआ सॉल्व करने का समय नहीं है तो आप एक को आंसर मार्क कर दो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता बहुत नंबर भाई आपका अगर सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा है है पे ठीक है ना अब हमें सॉल्व करना पड़ेगा सॉल्व कैसे करेंगे देखो ये और ये प्लस में है पहले इनको दोनों को सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे दो संख्याओं पे बार है तो हमने फाइव सेवन फाइव सेवन फाइव सेवन ऐसे लिख लिया यहाँ पे सिर्फ एक संख्या पे बार है तो हमने इसको ऐसे लिख लिया अब ध्यान से देखो पहला चीज तो ये कि एक संख्या रिपीट नहीं होगी क्योंकि यहां पे एक संख्या रिपीट नहीं हो रही है और दो संख्या रिपीट होगी तो हम दो दो का पेयर बना लेते हैं ये कितना आ गया पांच पांच दस के जीरो हासिल लगा एक सात पांच बारह और एक तेरह के तीन हासिल लगा एक पांच पांच दस और एक ग्यारह के एक हासिल लगा एक सात पांच बारह और एक तेरह के तीन हासिल लगा एक पांच तीन आठ एक नौ तो ये जीरो पॉइंट नाइन थ्री वन

ये कितना चल रहा होगा थ्री टू थ्री टू थ्री टू इस तरीके से आपका चल रहा होगा आपको माइनस करना है अब देखो यहाँ पे दो संख्याओं पे बार है यहां भी दो बार है तो दो ही पे आएगा दो दो का पेयर बनाओ यहां से स्टार्ट करो अब देखो यहाँ पे यहां पे इस पे आप माइनस करोगे इसको तो अब ग्यारह से अब यहाँ पे एक में से दो नहीं जाएगा एक कैरी फॉरवर्ड दो यहाँ पे तो ग्यारह आ गया ग्यारह में से दो गया कितना आएगा, आएगा आपका नौ आ रहा होगा लेकिन नौ को इस बॉक्स में रखो बाद में बात करेंगे यहां बचा दो अब एक कैरी फॉरवर्ड यहां से लेंगे तो बारह हो गया बारह से तीन गया कितना आ जाएगा बारह में से आपका तीन गया नौ बच जाएगा यहां बचा जीरो, जीरो अब एक लेंगे, दस, दस दो गया आठ हो जाएगा और यहां बचेगा दो एक कैरी फॉरवर्ड लेंगे बारह बारह में से तीन गया कितना आ जाएगा नौ आ जाएगा आपका ठीक है यहां बचा आठ आठ में से चार गया कितना आएगा चार आएगा तो अब देखो ये कितना आ रहा है पॉइंट फोर नाइन एट यहां नाइन नाइन क्यों आ रहा है बॉक्स में क्यों है क्योंकि देखो हमने यहां चालू किया लेकिन इसके आगे जो देखो यहां पे आठ क्यों आ रहा है क्योंकि हमने एक कैरीज़ को दे दिया था तो यहां पे जीरो बच गया था तो वैसे जब आगे वाला आप सॉल्व करोगे तो एक कैरी आप इसको दे रहे तो यहां भी जीरो बच रहा होगा तो ये फाइनली क्या आएगा आपका ये फाइनली आपका पॉइंट बार ही आ रहा होगा ठीक है ना तो बस ये ध्यान रखना जहां से आप चालू कर रहे हो बॉक्स में उसको रखना जरूरी है क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग के लिए है पॉइंट फोर नाइन एट या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि आप एक बार पहला नंबर देख लो जो रिपीट हो रहा है वही बार बार आ रहा होगा इतना आपको समझ में आना चाहिए तो सिंपली आंसर क्या हो जाएगा सिंपली आपका आंसर सी हो जाएगा ठीक है ना तो ये आप एक बार देख लेना इस तरह क्वेश्चन को ये आसानी से सॉल्व हो जाते हैं अब देखो ये भी आपका टायर टू में आया हुआ क्वेश्चन है अब यहां पे देखो आपको ये जो बार में गुणा करने को दे रखा है ना इसको पहले आपको फ्रैक्शन में चेंज करना ही पड़ेगा पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं ये कितना है आपका जीरो पॉइंट बार लगा हुआ है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं इस वाले पार्ट को इसको मैं लिखूंगा थर्टी नाइन माइनस थ्री अपॉन एक अंक के डेसिमल है सॉरी एक अंक पे बार है तो नौ लगा दिया एक पे बार नहीं जीरो लगा दिया और दूसरा क्या हो जाएगा पॉइंट एट बार एट अपॉन नाइन ये हो गया सिक्स अपॉन नाइनटी इंटू एट अपॉन नाइन ये आ गया नौ चौक छत्तीस तो आठ चौक 90 अब देखो बत्तीस अपॉन नाइनटी अगर आ रहा है आपका तो आपको ये समझ में आना चाहिए एक्सप्रेशन कैसे होगा इसका मतलब ऊपर जो आएगी संख्या उस पे एक पे बार होगा और एक पे बार नहीं होगा तो अब सोचो कौन से पे बार होगा भाई बार तो लास्ट में लगेगा ठीक है ना बार तो आपका लास्ट में लग रहा होगा तभी तो पॉसिबल है ना तो कहीं ना कहीं संख्या कैसे होगी देखो अगर अपॉन है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं थर्टी फाइव बार पॉइंट थ्री फाइव बार सॉरी पॉइंट थ्री फाइव बार या फिर मैं जो लिखना चाह रहा था ये लिखना चाह रहा था मैं इसको कुछ ऐसा लिखना चाह रहा था कि मैं इसको लिखूं थर्टी फाइव थ्री अपॉन नाइनटी कर सकते हैं कि नहीं थर्टी फाइव की अपॉन अभी कुछ फैमिलियर सा लग रहा है आपका फाइव के ऊपर आ रहा होगा ठीक है ना तो अब ये चीज आप यहां पे पुट कर दो तो कितना हो जाएगा ये इसको पहले इसको सॉल्व करते हैं अच्छा एक चीज और देख सकते क्या आंसर मिल जाएगा यहां से क्या हमको तो आप देखो यहाँ पे एक संख्या पे बार आ रहा है यहाँ पे दो संख्या पे बार आ रहा है बार नहीं है यहाँ पे भी एक संख्या यहां भी एक संख्या बार नहीं है तो इसका मतलब फाइनल आंसर में एक संख्या बार नहीं होगा तो ये हो सकता है आंसर ये भी हो सॉल्व करना पड़ेगा कोई चारा नहीं हमारे पास अब सॉल्व करते हैं इसको पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो जीरो पॉइंट फोर सेवन से चल रहा ये क्या चल रहा होगा जीरो 03, 03, 03, 03, तरीके से चल रहा होगा एक संख्या रिपीट नहीं होगी सात तीन दस के जीरो हासिल लगा एक सात और एक आठ सात तीन दस के जीरो हासिल लगा एक सात और एक आठ पांच और चार नौ कितना आ गया ये आ गया पॉइंट नाइन एट जीरो एट जीरो एट जीरो आपका बार बार यही रिपीट हो रहा होगा ठीक है अब माइनस कर लेते माइनस में कितना पॉइंट थ्री फाइव बार तो ये आ गया पॉइंट थ्री फाइव 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 इस तरीके से जा रहा होगा अब देखो आपका यहां भी दो संख्याओं पे बार है यहां भी दो संख्याओं पे बार है तो इसका मतलब फाइनल आंसर पे भी दो दो का पेयर आप बनाओ सेम लॉजिक यहां से कैरी फॉरवर्ड है दस में से पांच गई पांच सात में से पांच गई दो दस में से पांच गई पांच सात में से पांच गई दो नौ में से तीन गई छ तो ये आंसर कितना आ रहा है पॉइंट सिक्स टू फाइव बार आपका आंसर आएगा तो डी आपका आंसर आएगा इसमें बस थोड़ा सा ये वाला जो पार्ट है ना ये थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है जहां पे आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत है बाकी तो आप नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो ठीक है ना तो कुछ ऐसा नहीं जो आपको आता नहीं आप आसानी से कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन को भी सोल्व अब देखो उस चीज को आप ऐसे भी सोच सकते हो जैसे आपका क्या था बत्तीस अपॉन नाइनटी था अब मैंने आपसे इसको कहा कि आप इसको पैतीस माइनस तीन अपॉन नाइनटी लिख लो तो इसको हम लोग लिख सकते थे 0.35 बार अब कई बार ना बच्चे को ये सोचना थोड़ा सा मुश्किल होता है तो आप इसको अगर स्टार्टिंग में कर रहे हो नहीं समझ में तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं 32 अपॉन 9 10 ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 32 अपॉन 9 into 1 upon 10 अब इसको सोचो आप 32/9 क्या लिख सकते हो 9 3 तो 27 तीन सही कितना होगा नौ सत्ताईस पांच फाइव अपॉन नाइन इंटू वन अपॉन टेन यही होगा कि नहीं होगा भाई बत्तीस को आपने क्या लिख दिया तीन सही पांच बटा नौ लिखा या फिर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं थ्री प्लस फाइव अपॉन नाइन इंटू वन अपॉन टेन ठीक है अब तो देखो ये 5 upon 9 का मतलब क्या हुआ 5 बार बार रिपीट हो रहा है तो ये सिंपली क्या हो गया 3 plus point 5 बार ठीक है into one by 10 इसको आप ऐसे लिख लो 3.5 बार upon 10 या फिर point 35 बार तो थोड़ा सा लंबा है पर मतलब आपको देखने का तरीका है आप किस तरीके से इसको देख सकते हो लेकिन आपको डायरेक्टली चीज आनी चाहिए अगर आप एग्जाम दे रहे हो क्योंकि अगर आप ये करने गए तो थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगी आपको सॉल्व टाइम में लेकिन मतलब स्टार्टिंग में जब आप कर रहे हो देखो यह समझना पड़ेगा आपको कि स्टार्टिंग में पहले पूरा प्रोसेस जानो रटो मत चीजों को प्रोसेस जान गए अब जब प्रोसेस जान गए फिर आप शॉर्टकट पे जाओ उस पर वहां पे तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए एक मिनट अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है अब बच्चा इस क्वेश्चन को देख के आधे लोग के हाथ पांव फूल ही जाते हैं भाई कैसे सॉल्व होगा लेकिन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है क्या दिया हुआ है क्यूब रूट दे रखा है 0.037 पूरे के ऊपर बाल लगा हुआ है हाँ तो इसको मैं कैसे लिखूंगा इसको मैं लिख दूंगा क्यूब रूट ऑफ 037 थ्री अपॉन नाइन ठीक है अब भाई यहाँ जीरो है पॉइंट के बाद तो उसका नंबर तो मुझे जीरो तो लेना ही पड़ेगा उसकी वैल्यू कुछ नहीं ठीक है सिंपली क्या आ थर्टी सेवन अपॉन नाइन 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 इसको ट्वेंटी सेवन इंटू थर्टी सेवन ट्वेंटी सेवन इंटू थर्टी सेवन ये आपका होता है तो ये सिंपली सा क्या आ गया आपका सिंपली आपका आ गया क्यूब रूट ऑफ वन अपॉन ट्वेंटी सेवन और इसको अब आप सॉल्व कर सकते हो ये सिंपली वन अपॉन थ्री का क्यूब हो जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा जाएगा आंसर 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 आपका आपका कितना आएगा आपका आएगा तो सिंपली हम इसको निकाल सकते हैं ये हमने सॉल्व ही कर लिया चलो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं हम लोग एक बार अब देखो ये क्वेश्चन आपका टायर टू में आया हुआ है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मैं इसको बाद में देखूंगा पहले मैं इस वाले पार्ट को देख लेता हूं अब देखो तो इस वाले पार्ट को मैं कैसे लिखूंगा मैं इसको लिख रहा ठीक इन टू ये वाला पार्ट क्या होगा ये होगा एटी थ्री माइनस एट अपॉन नाइनटी और ये वाला पार्ट क्या होगा सिक्सटीन माइनस वन अपॉन नाइनटी अब देखो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया ठीक है ना अगर मैं इसको फर्दर देखूं तो ये फर्दर मुझे कितना मिलेगा ये मिलेगा 27 सेवन अपॉन नाइनटी 83 में से अगर आप 8 माइनस करोगे 75 आएगा 75 फाइव अपॉन ये आपका 15 आ जाएगा अब ये 15 पचे पचहत्तर इतना मिल गया मुझे ये वाला पार्ट 27 सेवन अपॉन नाइनटी नाइन इंटू इसको फर्दर भी काट सकते हो देखते हैं अभी पहले वाला अब इसको सॉल्व करते हैं ये कितना आएगा आपका ये आपका हो गया आ, देखो ये दो है ये प्लस फोर तो ये कितना हो गया टू प्लस फोर अपॉन नाइन इन टू सिक्स अपॉन नाइन इंटू थ्री इन ये आपका कुछ यही चीज नहीं है कि नहीं यहां पे वन सिक्स है तो वही सेम चीज मिलेगा हमको कितना मिलेगा पचहत्तर बटानबे मिल रहा होगा ये तो जाएगा, पच, आ जाएगा सॉरी पंद्रह बटा नब्बे सॉरी ये कितना आएगा पंद्रह अपॉन नब्बे यहाँ से आपको आ रहा होगा ठीक है ना तो फाइनल क्या मिल गया आपको फाइनल आपको मिल गया नौ दुनिया अट्ठा नौ दुनिया अट्ठारह चार बाईस बाईस बटा नौ गूढ़े छ बटा नौ गूढ़े तीन गुड़े पंद्रह बटा नब्बे गुड़े वहाँ क्या मिल रहा है 27/99 5 अब ये पूरा एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे मिला अब इसको काट-कट पिट करते जो भी हमें दिख रहा है अब देखो ये 3 3 का 9 3 5 15 ये तो यहाँ से कैंसिल हुआ और क्या कैंसिल हो जाएगा हमारा ये देखो ये कैंसिल होगा 15 छक्का 90 और पाँच 3 15 नौ 27 सत्ताइस पूरा कैंसिल हो जाएगा यहां से ठीक है क्या बच गया आपका 22 यहाँ बच रहा है और पांच यहाँ तो बाईस पंचे एक सौ दस बटा निन्यानबे एक सौ दस बटा निन्यानबे आपका बच रहा है ठीक है तो अब ये तो वैसे ही दिख रहा है अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो वन प्लस कितना बच गया आपका ग्यारह बटा निन्यानबे इसका मतलब क्या हुआ बार ठीक है अब देखो आपका ये तो आंसर नहीं हो सकता ये भी आंसर नहीं हो सकता ये भी आंसर नहीं हो सकता यही आंसर होगा मैंने आपको बताया हुआ बार और बार दोनों एक ही चीज है और देखो इसको इतना सॉल्व ही नहीं करना था मैंने अभी देखा ये भी एक से छोटा है ये भी एक से छोटा ये भी एक से छोटा आप यहीं पे जैसे देखते हैं ना आप आंसर मार्क कर तो यही वाला होगा क्योंकि बाकी सब नंबर क्या है एक से छोटे आ रहे हैं तो वो आपका आंसर हो जाएगा तो सिंपल सा क्या है बस आपको सॉल्व करना आना चाहिए अगर आप सॉल्व करना आ गया तो आप इन सारे क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो कोई इसमें बहुत डिफिकल्टी नहीं है ये आपके लिए होमवर्क है टायर टू में ये भी आया हुआ है यहाँ पे पॉइंट सेवन दे रखा है आई होप हमने सॉल्व नहीं किया इसको ठीक है ना तो ये आप एक बार होमवर्क से करना मैं इसको पीपीटी को डलवा दूंगा यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कर लेना ये क्वेश्चन हमने कर हमने सारे को। एक ये दे है सी बराबर ये, ये दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी का मान सबसे पहले देखो यहाँ पे दो पे बार है यहाँ पे दो पे बार है यहाँ पे, पे, है, यहाँ पे एक पे बार है आंसर में दो पे बार आ रहा होगा सब पे दो पे बार है तो वो तो निगलेक्ट हो गया दूसरा देखो यहाँ पे एक संख्या रिपीट नहीं हो रही यहाँ भी एक यहाँ पे दो सब में दो संख्या रिपीट नहीं हो रही है उससे कुछ नहीं बना अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा सॉल्व करने में क्या करते हैं हम लोग सबसे पहले हम लोग ए का मान देखेंगे ए बराबर कितना आ गया छोड़ो इसको ए बराबर रहते डायरेक्टली है, लिखते हैं टू पॉइंट वन टू वन टू वन टू वन टू इस तरीके से चल रहा होगा बी बराबर हो गया थ्री वन फाइव वन फाइव वन फाइव सेवन जीरो नाइन 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 इस तरीके से आपका ये चल रहा होगा पहली चीज ये कि दो संख्या आपकी जो है वो रिपीट नहीं होगी अब मैक्सिमम दो पे बार है और या एक पे है तो दो दो संख्या रिपीट होगी दो दो का पेयर बन गया आप जोड़ लो इसको नौ एक दस और एक ग्यारह ग्यारह का एक लेकिन इसको हम लोग बॉक्स में रखते हैं एक यहाँ कैरी फॉरवर्ड आ गया नौ एक दस पाँच पंद्रह दो सत्रह सत्रह का सात आ गया एक कैरी फॉरवर्ड आ गया नौ एक दस दस एक ग्यारह ग्यारह एक बारह के दो आ गया एक कैरी फॉरवर्ड आ गया नौ दस पाँच पंद्रह दो सत्रह सत्रह का सात आ गया एक कैरी फॉरवर्ड आ गया एक दो और एक तीन आ गया और सात तीन दस और दो बारह के दो आया और एक यहाँ पे आया तो ये आएगा वन पॉइंट टू थ्री वन पॉइंट टू थ्री सेवन टू बार ये आपका आंसर हो जाएगा तो देखो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है आसान है बस आपको समझना क्या है कि कैसे करना है आपको उन क्वेश्चंस को तो ये अगर समझ में आ गया तो आप आसानी से इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो अब देखो एक और चीज यहां पे बच रही है जो आपको आनी चाहिए जैसे फॉर एग्जांपल कई बार वो ऐसे देता जो मैंने आपको बताया था कि मान लो दे दिया 5 बार .32 3 बार .23 ठीक है अगर ऐसा कुछ दे दिया तो अब ऐसे कैसे करोगे आप इसको तो इसका मैंने आपको मतलब बताया था माइनस फाइव प्लस थ्री टू कर सकते हैं इसको प्लस माइनस थ्री प्लस यहां पॉइंट लगेगा सॉरी एक मिनट पॉइंट मैं भूल गया था वहां पे इसको ऐसे लिखेंगे माइनस फाइव प्लस पॉइंट थ्री टू प्लस माइनस थ्री प्लस पॉइंट टू थ्री अब देखो ये माइनस फाइव और माइनस थ्री आपस में जुड़ जाएंगे भाई माइनस माइनस प्लस प्लस होता है है साइन ऑलरेडी लगा हुआ है। तो कितना हो तीन दो पांच और तीन दो पांच तो ये सिंपली हम क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं एट बार पॉइंट फाइव फाइव ये हमारा आंसर होगा ठीक है तो बस एक चीज का ध्यान रखना यहाँ पे कि जब बार वाली चीजें आ रही हैं यहाँ पे पहले मतलब बाएं बाएं हाथ 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 पे दाएं हाथ पे दाएं बता दिया अगर बाएं हाथ पे आ रहा है तो उसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो और इसमें कुछ दिक्कत नहीं आएगी ठीक है तो मैंने मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन ले लिए हैं आपके कुछ टाइप बचे होंगे तो एक जब मैं और क्लासेस लूंगा तो वहां पर कवर कर लूंगा तो ये आपके बार वाले सारे क्वेश्चन कवर हुए प्लीज आप इस वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन को लेके थैंक यू